नमस्कार, आपण पाहत आहात लोकसंदेश न्यूज। मी तेजस्विनी शर्मा। पाहूया अहमदनगरची बातमी। लहान मुलांना व्यवहार समजावेत या दृष्टीनं शेवगाव येथील आनंदनगरीच्या शास्त्री नगर शाळेतर्फे आपली शाळा आपला बाजार हा उपक्रम शनिवारी राबवण्यात आला। आपली शाळा आपला बाजार या शालेय उपक्रमाला शनिवारी सकाळी 8 वाजल्यापासून सुरुवात झाली। या कार्यक्रमाला शेवगाव पंचायत समितीच्या गट शिक्षणाधिकारी शैलजा राहुल, शेवगाव नगर परिषद उपनगराध्यक्ष पठाण, शिक्षण विस्तार अधिकारी पवारसाहेब, मुख्याध्यापिका श्रीमती पद्मा मॅडम आणि शास्त्री नगर शाळेचे सहशिक्षक आणि शिक्षिका उपस्थित होत्या। या कार्यक्रमात आपली शाळा आपला बाजार या उपक्रमात अनेक विद्यार्थ्यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले। यामध्ये सार्थक गव्हांदे, हर्षवर्धन नजन यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले। या कार्यक्रमात पालक, शिक्षक, विद्यार्थी यांनी आपला सहभाग नोंदवून कार्यक्रमाची शोभा वाढवली। स्कूल के अंदर आपली शाळा आपला बाजार ये उपक्रम जो तो लिया गया और इस उपक्रम के अंदर जो है बहुत सारे बच्चों ने जो इसके अंदर जो तो हिस्सा लिया है और इसके अंदर जो है जितने भी यहाँ के स्कूल के जो तो टीचर हैं उन्होंने जो तो मेहनत की है और बच्चों को जो है एक संदेश ये देना चाहते हैं कि हमारे जो है तो रोज़मर्रा की जो तो ज़िंदगी के अंदर जो है यानी हमको जो है व्यवहार और लेन देन जो है और जो है तो हिसाब किताब जो है आना चाहिए ताकि जो तो बच्चा जो तो पूरी हर लाइन के अंदर जो तो महारत हासिल कर सके इसकी जो तो कोशिश की जा रही है। और आज बड़े जोश और खरोश के साथ में जो है तो बच्चों ने पूरी जो है तो रोज़मर्रा की खाने पीने की जो तो चीज़ें जो है कम दामों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को कैसे फ़ायदा हो इसकी जो तो कोशिश की जा रही है और लोगों ने भी जो तो इसमें बढ़ चढ़ कर जो तो हिस्सा लेकर जो है अपना जो है बच्चों का भी जो तो ताउन किया है, बच्चों की जो तो हिम्मत अफजाई की है। हम ये चाहते हैं कि इस तरह से ये नए नए जो है प्रोग्राम जो है अगर स्कूलों के अंदर अगर दिए जाएंगे तो जिला परिषद की स्कूलों को जो है तो तरक्की होगी और जो है तो जो अंग्रेजी मीडियम की तरफ जो लोगों का जो रुझान जा रहा है तो वो उसके बजाय जो है तो लोग जिला परिषद के उर्दू स्कूल हो चाहे मराठी स्कूल हो वो स्कूलों के अंदर जो है अपने बच्चों को जो है दाखिल करेंगे और अपने गाँव का, अपने तालुके का और अपने देश का नाम जो है रोशन करेंगे। इतना कहकर मैं अपनी जो है बात करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। विद्यार्थ्यांना रोजच्या जीवनामध्ये दिवसातल्या 8 तासात जो विद्यार्थी शाळेमध्ये बसतो त्या शाळेत आम्ही जे त्यांना विविध अध्यापन अध्ययन अनुभव देतो त्या अनुभवातून विद्यार्थी फक्त बौद्धिक पातळी गाठतात, परंतु गुणवंत आणि बुद्धिमंत यात फरक आहे। विद्यार्थी पुस्तकी अभ्यास करून बुद्धिमंत तो होतात, परंतु दैनंदिन जीवनामध्ये त्यांना गुणवंत होण्याची पण फार गरज आहे। तुकाराम महाराज होऊन गेले, ज्ञानेश्वर महाराज होऊन गेले, त्यांची कीर्ती एवढी का झळकली? फक्त गुणवंतामुळेच का? मग हेच अनुभव आम्हाला विद्यार्थ्यांना या बाल आनंद मेळाव्यातून द्यायचे होते। त्याचप्रमाणे आमची ही शाळा खूप छान छान उपक्रम घेत असते। आज बाल आनंद मेळाव्याच्या निमित्ताने विद्यार्थी व्यवहार ज्ञान करताना खूप छान दिसत होते। खरेदी विक्रीचा एक वेगळा अनुभव पण त्यांना आज मिळाला। त्याचबरोबर ज्या मातांना कधी शाळा घर सुटून शाळेची पायरी सुद्धा मिळत काढता येत नाही अशा माता आज उत्स्फूर्तपणे शाळेत आल्या, आपल्या बाल्यांचं आपल्या मुलाचं कौतुक पाहण्यासाठी इथे उतरल्या आणि त्यांना इथे येण्यासाठी प्रोत्साहित केलं आमच्या सर्व शिक्षक सहकाऱ्यांनी हळदी कुंकवाच्या निमित्ताने।